हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, ये आपके सी ए आई पी सी सी का आई पी सी कहूँ क्योंकि ये न्यू सिलेबस हो चुका है, तो उसका न्यू सिलेबस है, ठीक है सर? और ये हम ऑडिट का पहला चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, जहाँ पे चैप्टर का नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। सर, क्या नाम है चैप्टर का? आप मेरे साथ बोलिए एक बार। नेचर, सर क्या नाम है चैप्टर का? नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है सर। सर, ये क्या मतलब होता है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट का? तो सर, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इस चैप्टर के एंड होते होते आपको सर ऑडिट की बहुत सारी बेसिक जानकारियों के बारे में यहाँ पे पता चलेगा। सर, मार्केट में आपको जितने भी टीचर मिलेंगे वो हमेशा ये बताएंगे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी टीचिंग के अंदर आपको ये दिखाना चाहूँगा कि यू आर मोर कैपेबल इन कंपेरिजन टू अस। आपके अंदर पढ़ने की एक जिज्ञासा, एक तड़प लेके आऊँगा सर, कि आप पढ़ाई को एंजॉय करें, कुछ भी रटना ना पड़े और आपको हर चीज़ समझ में आए। और सर, सिंपल सी बात है, कौन सी बुक से पढ़ें? तो सर, अब जो भी न्यू सिलेबस है आपका आईपीसी का, उसके लिए सर मैं यही कहूँगा कि आपका आईसीआई का जो स्टडी मैट है सर, यही सबसे बेस्ट बुक है, यही सबसे बेस्ट नोट्स है सर। इसी के साथ तैयार कीजिए अपनी पढ़ाई को, और जो भी जहाँ भी जैसा भी होगा सर, मैं आपके लिए ऑडिट के बहुत सारे रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे डालता रहूँगा, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। और सर, आपको अगर लिखने की प्रैक्टिस करनी है टेस्ट की, बहुत सारे टेस्ट की, 50 और 100 टेस्ट की, तो सर आप मेरा टॉप 50 ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी ये चैप्टर सर आप मेरे साथ पढ़िए और देखिए सर कि आप सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं। सर, टीचिंग बहुत सारी टीचर अपने अपने तरीके से करते हैं, मैं बस ऐसे चाहता हूँ कि आपको ये लगे कि आप भी ऐसा कर सकते हो और आपको कभी किसी की ज़रूरत ही फील ना हो सर, ना टीचर की ना किसी की। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सामर्थ्यवान है सर, इट मीन्स यू आर मोर कैपेबल, ठीक है सर? तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सर, स्टार्ट करते हैं सर ऑडिट के इस टॉपिक से। सर, इस चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं सर, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सर देखिए, इसमें पहली बात हमें मीनिंग पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है सर, ऑडिट का मीनिंग, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, ऑडिट का स्कोप, ऑडिट के एस्पेक्ट्स, एडवांटेज, लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ ऑडिट, एथिकल रिक्वायरमेंट इन ऑडिट, क्वालिटी कंट्रोल, रिलेशनशिप विद डिसिप्लिन, ठीक है सर? ये क्वालिटी कंट्रोल वाला थोड़ा सा नए तरीके से आईपीसी के सिलेबस में डाला गया है, ये आईपीसीसी में नहीं था, ये थोड़ा सा नया है, बाकी सब जो था वो आपके आईपीसीसी में भी सेम है, ठीक है सर? तो सर, अब जब हम इसकी बात करने वाले हैं टॉपिक की जो कि हम पढ़ रहे हैं, तो सर इसके अंदर हमें एक एक चीज़ आराम से देखनी होगी, बस एक ही चीज़ आपको करनी है, वो है फुल डेडिकेशन के साथ मुझे सुनना होगा, ठीक है सर? तो सर, मैं आ चुका हूँ आपके पेज 1.2, और 1.2 पे हम करने जा रहे हैं सर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट की बात। सर, सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ये ऑडिट ऑडिट जो हम चला रहे हैं कि सर ऑडिट पढ़ो ऑडिट पढ़ो, और जो आपका 100 मार्क का सब्जेक्ट दे रखा है, फाइनली इस ऑडिट का मतलब क्या है सर? सर, आपको सबसे पहले ऑडिट का मतलब क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सर, यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि ऑडिट का मतलब क्या होता है। सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि बिना किसी जजमेंट प्रोसेस के, बिना ये सोचे समझे कि मास्टर नया है पुराना है, मास्टर का चेहरा नहीं दिख रहा है, पता नहीं कौन है क्या है, सबसे पहले सिर्फ आपको 100% सर, जितना भी ये वीडियो आप देखने वाले हो, मुझे भी नहीं पता कितना मिनट जाएगा, 40 से 50 मिनट, बस आपको डेडिकेशन के साथ सुनना है सर। और मेरा प्रॉमिस है सर कि आपको ये दुनिया के सभी टीचर कहते हैं कि स्टडी मैट मत पढ़ो, ये एक ओनली ऐसा मास्टर मिलेगा जो स्टडी मैट से डायरेक्ट बुक पढ़ा देता है सर। तो आपको सिर्फ इस प्रॉमिस के साथ, एक भरोसे के साथ पूरा वीडियो सर सुनना है, और आपको खुद रियलाइज़ होगा कि ऑडिट बहुत ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट होने वाला है। सर, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं सर ऑडिट के बारे में, ठीक है सर, कि ऑडिट में क्या क्या होता है। तो सर, आप बोल सकते हो कि ऑडिट में हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। सर, ये एनालाइज क्या होता है? सर, एनालाइज का मतलब होता है कि वो कोई भी चीज़ है, लेट सपोज कोई जनरल एंट्री है, ठीक है, जनरल एंट्री में आपने लिखा कि भैया हमने वेजेस पे किया, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सर, आप अगर लिख रहे हो वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वेजेस को डेबिट किया गया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक को क्रेडिट किया गया हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमारा कहना ये है कि एनालाइज का मतलब क्या होता है सर, क्या ये सच में जो वेजेस पे किया गया था वो एम्प्लॉय को ही किया गया था? सर, अगर आप सेक्शन 40 के अंदर जाएं, जो कि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है,
वो सर आपसे ये कहता है कि कभी भी किसी भी रिलेटिव पर्सन को, किसको सर, रिलेटिव पर्सन को अगर आप एक्सेस पेमेंट दे रहे हो तो वो डिसअलाउ हो जाती है। तो सर मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये पर्सन रिलेटिव तो नहीं था। सर जब आप ऑडिट करते हो तो सर यहाँ पे आपको पूरे टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको सर लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, आपको सर अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए, यानी जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं सर ऑडिट को छोड़ के, आपका ITSM हो सकता है सर, आपका EIS SM हो सकता है सर, आपका कॉस्ट एंड FM हो सकता है, तो जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं सर वो हम ऑडिट में एक साथ यूज़ करेंगे। और सर एनालाइज का मतलब होता है कि भैया सिर्फ हम रीडिंग नहीं करने वाले, मतलब जो लिखा है जैसे लिखा है हम रीडिंग नहीं करेंगे, हम उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। क्या करेंगे हम उसको अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है सर कि हम उसे समझेंगे कि एक्चुअली में इसके पीछे का लॉजिक क्या था, और ये जो भी हुआ है क्या ये टैक्स के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, अकाउंट के अकॉर्डिंग, हमारी ITSM में जो हमने पढ़ा उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, कॉस्ट FM के अकॉर्डिंग, और जो भी था अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर इसका मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। सर क्या ये ऑडिट उनके अकॉर्डिंग हुआ है? तो सर ऑडिटिंग क्या है, ऑडिट क्या है, ऑडिट एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ये सिखाता है कि जो भी हो रहा है वो एज़ पर लॉ, रेगुलेशंस, टैक्स, अकाउंटिंग, सभी चीज़ों को सही से शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सर ये तो मेरी कहानी हो गई जो मैंने बोल दिया, लेकिन हमें ICAI के अकॉर्डिंग लिखना है। तो सर तो मैं ICAI के अकॉर्डिंग बात करता हूँ कि ICAI आपसे क्या सुनना चाहता है, तो ज़रा गौर से सुनिएगा ICAI क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है इसके लिए, ध्यान से सुनिएगा सर, ठीक है। एन ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर 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 पहला वर्ड तो ये इंडिपेंडेंट आ गया, इसका मतलब भी हमें नहीं पता, ये बताओ सबसे पहले। मैंने कहा ओके सर, जैसा हुक्म आपका वैसी ही बात करेंगे हम, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम कहो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। सर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ऑडिटर है वो दूसरे के बहकावे में नहीं आएगा। सर इसके ऊपर मैं और बात करूँगा। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब है सर कि मान लो अगर मैं आपका दोस्त विनीत मिश्रा, आप मुझसे कह रहे हो सर कि आप जो पढ़ा रहे हो वो गलत है। मैंने कहा कैसे गलत है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। अरे तुम कहीं के चौधरी हो। सर विनीत मिश्रा जी, आज से आप जो टैक्स लगता है, टैक्स अगर नॉर्मल स्लेव रेट 2.5 लाख रुपए है, उससे ऊपर जाने में 5% का टैक्स लगता है, आज से आप 5% मत लगाना, आज से 50% लगाना। सर क्यों? क्योंकि सर आप हमारे ऑडिटर हो, आपसे हम कह रहे हैं 50 यानी 50, आज से आप 5 नहीं लगाओगे। सर ये क्या बात हुई, पता नहीं क्या बात हुई, मुझे भी नहीं समझ में आया। सर विनीत मिश्रा जी, हाँ जी सर, सर आज से आप क्या करने वाले हो कि आप जो वेजेस की एंट्री डाली गई है 50,000 रुपये, सर इसे 50,000 रुपये ना करके आप 75,000 कर दो। सर क्यों 75,000 क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं, हम कौन है, हम मैनेजमेंट है, हम कौन है सर, हम TCWG हैं। सर TCWG क्या होती है, एक मतलब पोस्ट होती है मैनेजमेंट से ऊपर वाली, हम बात करेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट आपसे जो कहेगी आप वो सुन लोगे क्या? आंसर इज नहीं। अगर मैनेजमेंट जो कह रही है आप मान रहे हो, यानी आप मैनेजमेंट की बात मान रहे हो, यानी आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। अगर आप मैनेजमेंट की बात ना मान के आप लॉ की बात मान रहे हो, आप एथिक्स की बात मान रहे हो, आपने जो टैक्स पढ़ा है आप उसकी बात मान रहे हो, आपने जो CA बनने के लिए एक्सपीरियंस गेन किया आप उसकी बात मान रहे हो, आप सर अपना माइंड यूज़ करके अपनी बात मान रहे हो, सर आप जितने भी आपके प्रिंसिपल्स आपको सिखाए जा रहे हैं आप उनकी बात मान रहे हो, तो सर आप इंडिपेंडेंट हो। ठीक है सर, आप क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तो सर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है कि सर मैं जो करने वाला हूँ, मैं एज पर अपनी एजुकेशन, एज पर अपनी नॉलेज, एज पर अपना माइंड और एज पर अपनी ऑब्जर्वेशन, एज पर माई एजुकेशन मैं करूँगा। मैं आपके कहे हुए किसी भी बात के अंदर नहीं आने वाला, दैट इज़ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर एक और चीज़ सिंपल वर्ड में बोलूँ, बुरा ना मानिएगा, मैं जोरू का गुलाम बन के नहीं रहूँगा। जब ऑडिटर कहता है जोरू कौन है सर, जोरू वहाँ की मैनेजमेंट है जो आपसे कहती है जैसा हम करते हैं वैसा कहो, जब ऑडिटर कहते हैं नहीं आज से मैं स्वतंत्र हूँ और अपने तरीके से काम करूँगा, जो मुझे CA के लिए पढ़ाया गया है मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूँगा, जो मुझे सिखाया गया है मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूँगा, यानी आप इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं, आप किसी की बातों में नहीं आ रहे हैं। तो सर हम इंडिपेंडेंट होकर एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है सर। सर किस चीज़ की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करोगे? सर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। किसकी? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है सर? सर यहाँ पे एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए,
जो शायद अब तक किसी के दिमाग में नहीं आई, वो सर ये कि यहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं लिखा। सर आप कभी भी लिखते हो, एग्ज़ाम में भी आप लिख के आते हो सर, एग्ज़ाम में भी आप लिख के आ जाते हो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या आप लिख के आते हो कि ऑडिटर एग्जामिनेशन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? सर 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। ऑडिटर कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जामिनेशन नहीं करता, ऑडिटर हमेशा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की एग्जामिनेशन करता है, ठीक है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। सर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या अंतर है? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि इसका ऑडिट हो चुका है, ठीक है, ऑडिट ने इस ऑडिटर ने इस पर अपना साइन कर दिया है, ठीक है, कि भैया आज से ये चीज़ सही है जो भी मैनेजमेंट ने बनाई है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि भैया अभी बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी हुई हैं, क्या हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी रेडी हुई हैं, अभी इस पर काम होना बाकी है, अभी ऑडिटर के द्वारा, क्या ऑडिटर के द्वारा इस पर जांच पड़ताल होनी बाकी है, इसलिए सर हम इसको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी नहीं कह रहे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कब तब्दील होगा? जब ऑडिटर भाई साहब यहाँ पे अपना साइन कर देंगे, ठीक है सर, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो सर ये क्या कहता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है सर, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। कैसी है सर? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसकी? सर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। सर कहाँ की? सर ऑफ एनी एंटिटी। सर वर्ड क्या है सर? सर एनी एंटिटी। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, सर ये एनी एंटिटी क्यों लिखा है? अरे भैया ये तो पूरा ही गायब हो गया, रुकिए मैं इसको, ये टेक्नोलॉजी जी थोड़ा सपोर्ट किया जी ये हमें, हाँ लीजिए सर। सर यहाँ पे एनी एंटिटी क्यों लिखा है? सर बिजनेस भी हो सकता था, सर पार्टनरशिप भी हो सकता था, सर कंपनी भी हो सकता था। अब लॉ मेकर ने कहा कि इतने अलग अलग वर्ड लिखने से अच्छा है मैं एंटिटी ही क्यों ना लिख दूं, तो सर वहाँ पे एंटिटी वर्ड लिखा गया। क्या लिखा गया सर? एंटिटी। सर एंटिटी लिखने से क्या होगा? सर एंटिटी लिखने से ये होगा कि मैंने एक वर्ड कह के सबको कवर कर लिया। किसको कवर कर लिया सर? सबको। सर हम जब अपना आंसर लिखते हैं तो हम लिखते हैं ऑफ एनी बिजनेस। आप नोटिस करना, एक बच्चा जिसका अटैम्प्ट लिखा होगा उसने पक्का लिखा होगा एनी बिजनेस। सर एनी बिजनेस कभी भी नहीं लिखना है, क्या लिखना है? एनी एंटिटी, ठीक है सर, क्योंकि एंटिटी में सभी लोग कवर हो जाते हैं। वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। सर सबसे अच्छी बात देखिए सर, आप प्रॉफिट के पर्पज से कमा रहे हो या नहीं, इस बात से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सर समझिएगा इस बात को कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, इस बात से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप एक एंटिटी हो, ठीक है सर, और आपको ऑडिट करवाना है और आपको ऑडिट हो रहा है, आप प्रॉफिट कमाओ या नहीं कमाओ, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। सर बोलोगे सर ये तो छोटी सी बात है, ये तो हमें ही पता है। सर नहीं पता आपको, अंडरलाइन कीजिए। क्यों सर? क्योंकि आपकी 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा, क्या ऑडिट हमेशा प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है? तो आप कहोगे सर दोनों का होता है। आप क्या कहोगे? सर दोनों का होता है, प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ आपको टैक्स देना पड़ता है, वैसे ही उसी तरीके से आपका ऑडिट होता है। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, ठीक है सर, आप छोटी एंटिटी हैं बड़ी एंटिटी हैं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है सर। लीगल फॉर्म मतलब आप किस स्ट्रक्चर की कंपनी है, आप NPO हैं, आप NGO हैं, आप प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं, सर आप गवर्नमेंट मेकिंग कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, या फिर आप प्राइवेट कंपनी है, आप पब्लिक कंपनी है, हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी लीगल फॉर्म का होगा आपका ऑडिट होगा। वेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, तो सर यहाँ पे है एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, यानी ऑडिटर को क्या करना है, ये सब करके एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। सर एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे लाना चाहूँगा मद्देनज़र रखते हुए, हाँ सर, एक वर्ड होता है सर ओपिनियन, यहाँ पे क्या क्या है उसने कि भैया हम अपना ओपिनियन देने वाले हैं, क्या देंगे सर? ओपिनियन। सर ये ओपिनियन वर्ड क्या होता है सर? ओपिनियन का मतलब आपको पता है? ओपिनियन का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ, तो मैं मानूं कि आपको ओपिनियन वर्ड का मतलब पता है। सर देखो ओपिनियन का मतलब होता है, और एक होता है सर एडवाइस। सर ओपिनियन और एडवाइस में क्या अंतर है सर? सर देखिए आपको इस बातों को छोटा छोटा समझना पड़ेगा, क्योंकि अब आप आ गए हैं सी आईपीसीसी में, सॉरी आईपीसीसी बार बार निकल रहा है क्योंकि बहुत दिनों से उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ मैं, आईपीसी में आ गए हैं सर, तो आपको समझना पड़ेगा ओपिनियन और एडवाइस में क्या अंतर होता है। सर जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे एक कॉलेज है, ठीक है, और कॉलेज का नाम DAV कॉलेज रख देते हैं,
ठीक है, डीएवी कॉलेज। यहाँ पे दो लड़के खड़े हैं, कितने लड़के खड़े हैं सर? दो लड़के खड़े हैं। यहाँ पे इस गेट से एक लड़की निकली और वो बहुत मोटी थी, ठीक है। इस लड़के को क्या लगा कि यार इस कॉलेज में सारी लड़कियाँ बहुत मोटी होती हैं, चलो हम यहाँ से चलते हैं, आज से सारी लड़कियाँ हमारी बहनें हैं, क्या हैं सर? सिस्टर हैं। तो सर ये इसका ओपिनियन था, क्योंकि जैसा इसने देखा वैसे ही इसने इस चीज़ का ओपिनियन लगाया कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। और सर एडवाइस क्या होता है कि एक लड़के ने कहा कि भाई चलना उस स्कूल के बाहर चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं कौन कौन है कौन कौन नहीं है। इसने कहा भाई वहाँ मत जा, वहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं है, हर लड़की बहन ही नज़र आती है, मुझे हर लड़की में अपनी बहन नज़र आती है, उधर मत जा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हंस के नहीं कह रहा, थोड़ा सा सीरियस होके कह रहा हूँ, लेकिन आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है सर? तो आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओपिनियन और एडवाइस में क्या अंतर होता है। ओपिनियन मतलब होता है मुझे वो चीज़ कैसी लगी, एडवाइस का मतलब होता है जब मैं सामने वाले को उस बारे में बताता हूँ कि मुझे वो चीज़ कैसी लगी। सर आपको एक और बेहतरीन एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ मैं, जैसे आप मूवी देख के आए, सर लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी थी? मुझे नहीं पता, मैंने बागी 2 देखी थी। हाँ तो बागी 2 मुझे मुझे कैसी लगी? मुझे वो मूवी अच्छी लगी, ठीक है, मुझे कैसी लगी वो मूवी? अच्छी लगी। मैंने आपको एडवाइस दी कि भैया आप भी वो मूवी देख के आओ क्योंकि वो मूवी अच्छी है, तो ये होती है एडवाइस। तो सर ऑडिटर को यहाँ पे एडवाइस देनी है, ओपिनियन देना है। तो सर यहाँ पे हम जब थोड़ा सा इसको टच करते हैं तो सर यहाँ पे वर्ड आता है कि ऑडिटर को यहाँ पे क्या करना है? ओपिनियन देना है। किस चीज़ का? कि उसे वहाँ पे एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, मतलब अपना ओपिनियन जाहिर करो कि फाइनली आपको ये सब करके क्या लगा और कैसा लगा। ठीक है सर, आप समझ पा रहे हैं मैं कहाँ पे आपको ले जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? गुड। तो दोस्तों ये 1 सेकंड के लिए मैं रुक गया था अभी मुझे लगा कि हमारी रिकॉर्डिंग वीडियो की हो भी रही है, नहीं हो रही है। कई बार एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग करता रह जाता हूँ और बाद में मुझे पता चलता है कि भैया रिकॉर्डिंग हुई नहीं, वीडियो बंद हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया। तो सर मैंने अब तक 17 मिनट्स, ओवरऑल 17 मिनट्स आपके साथ एक्सपेंड किए इस मीनिंग को सिर्फ 3 लाइक को एक्सप्रेस करने में। तो सर यही होता है एक टीचर की ज़रूरत, एक दोस्त की ज़रूरत, कि आपको समझ में आता है कि क्यों हम डेफिनेशन को कितना पढ़ें एनालिसिस के साथ और कैसे पढ़ें। वैसे उतनी ही हम एनालाइज करेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा मेरी स्पीड भी फास्ट होगी। पहली बार हम ऑडिट पढ़ रहे हैं मेरे एंगल से, क्योंकि आप आईपीसी का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं, इसलिए मैं इतनी एनालिसिस कर रहा हूँ। तो सर आईसीआई ने एनालाइज करके क्या बताया कि ऑडिट क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। सर कोई भी एंटिटी चलेगी, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नॉट, मतलब ना हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे एंगल से। मतलब कि अगर वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। सर उसके बाद उसके साइज से और उसके लीगल फॉर्म से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसी के बाद इसने एग्जांपल दिए एनपीओ के, एनजीओ के, प्रॉफिट ओरिएंटेड में जो भी है। उससे सर ऑब्जेक्टिव क्या है? सर ऑब्जेक्टिव मतलब कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो सर ये है कि जो ऑडिटर भाई साहब हैं वो अपना ओपिनियन फाइनली एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है सर। तो ये हमने 17 मिनट में डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद सर आगे इसके अंदर और बातें हैं। द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट बी मिसलीड एनीबडी। मतलब कि जब आप ये कर रहे हो, ऑडिटर भैया से सर क्या कहा गया है? सर वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सर जितनी एनालिसिस टीचर कर पाएगा उतनी आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए टीचर को ध्यान से सुनिएगा। सर द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क, कि जो पर्सन ये काम कर रहा है, सर वर्ड क्या है? सर द पर्सन हु कंडक्टिंग दिस टास्क। तो सर ये पर्सन कौन हो सकता है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, सर मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क, कि जो बंदा ये काम कर रहा है, तो सर मेरे हिसाब से ये भाई साहब कौन काम कर रहे हैं? तो सर ये ऑडिटर काम कर रहे हैं। ये किसके बारे में बात कर रहा है? सर ये ऑडिटर के बारे में बात कर रहा है। द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क, जो बंदा इस टास्क को कर रहा है, शेड शुड टेक केयर ऑफ इंश्योर दैट, कि भैया वो इस चीज़ का ख्याल रखेगा। टू इंश्योर दैट मतलब वो इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी बनाई गई है जिसे आप अप्रूव कर रहे हो, उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि भैया वो किसी भी रावण के द्वारा बुरी नज़र से ना देखी गई हो, इन द सेंस उसमें कोई भी मिसलीडिंग ना हुआ हो, नॉट मिसलीडिंग एनीबडी, मतलब उसका किसी भी
पापी इंसान ने कुछ भी उस पर ना किया हो। द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क, ठीक है सर, और टास्क क्या है सर, ये पर्सन कंडक्टिंग कौन है सर, ऑडिटर हमारे, पर्सन कंडक्टिंग कौन है सर, ऑडिटर हमारे, और टास्क क्या है सर, ऑडिट का टास्क, ठीक है सर, ओके। दिस ही कैन डू ऑनेस्टली बाय सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट, तो सर वो ऐसा कर सकता है कुछ बातों को ख्याल रखे, यानी ऑडिटर भाई साहब अगर ये बातें कर ले तो इससे उन्हें खुद भी वो सेटिस्फाई हो जाएंगे सर कि हाँ जो मैंने किया है वो सही है, मैंने जो भी किया उसमें कोई कमियाँ या उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है सर। तो ऑडिटर भाई साहब ऑनेस्टली अगर ये काम करेंगे तो वो खुद से सेटिस्फाई हो जाएंगे, जैसे कहते हैं ना दिल से गवाही निकलना, तो दिल से गवाही निकलेगी सर कि जो मैंने किया है वो सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है सर। सर ये 6 बातें हैं, जरा मैं इनमें कुछ बातें आपके लिए हाईलाइट कर दूँ। सर पहला बात है सर अकाउंट, ठीक है सर, दूसरा पॉइंट सर हाईलाइट कर लीजिए एंट्रीज का, उसके बाद सर यहाँ पे एक वर्ड है सर ओमेटेड, इसे हाईलाइट कीजिए, यहाँ पे सर एक वर्ड है कंपाइलेशन, इसे हाईलाइट कीजिए, उसके बाद सर यहाँ वर्ड एक इन्फॉर्मेशन, इसे हाईलाइट कीजिए, उसके बाद सर यहाँ पे एक वर्ड है क्लियर एंड अनएम्बिजियस, इसको हाईलाइट कीजिए सर, और उसके बाद सर यहाँ पे एक वर्ड है अमाउंट, इसे हाईलाइट कीजिए, उसके बाद सर यहाँ पे एक वर्ड है ट्रू एंड फेयर पिक्चर, इसे हाईलाइट कीजिए। अब सर जब हम पढ़ेंगे तो इन वर्ड को हाईलाइट करने के बाद जब आप इसे सीरियसली देखने वाले हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे पता है ये पार्ट एक छोटे से टॉपिक पे बहुत टाइम लग गया, लेकिन सर आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि CA IPCC में IPC में आप किस लेवल की पढ़ाई करने वाले हैं। सर इस लेवल से अगर आप कम पढ़ रहे हैं, ठीक है सर, अगर आप इस लेवल से कम पढ़ रहे हैं तो सर समझ लीजिए कि आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। आपको इस लेवल पे जाना होगा सर ताकि आप एक एक वर्ड को एनालाइज़ कर सकें, और जब आपके अंदर ये पावर आ जाएगी कि आप एक एक वर्ड को एनालाइज कर पा रहे हैं तो समझ लीजिएगा आप एक सही टीचर के पास हैं और आपका अटैम्प्ट क्लियर होने वाला है। तो सर कभी भी चीज़ों को हरी अप में ना पढ़ें कि फटाफट फटाफट, अगर मेरी जगह आप होते तो इस पैराग्राफ को सर 5 मिनट के अंदर निपटा देते सर, 5 मिनट नहीं 2 मिनट। मैं इतना इसलिए फोर्स कर रहा हूँ आपको ताकि आप सीख सके सर कि फाइनली IPCC का एक CA लेवल क्या होता है। सर पहला पॉइंट है द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद द रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी मैंने अगर डाला है कि वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो सर वेजेस आउटस्टैंडिंग में ये सर बैलेंस शीट में कहाँ होना चाहिए, सर ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखना चाहिए, ठीक है। तो सर अगर लाइबिलिटी साइड में ये दिख रहा है वेजेस आउटस्टैंडिंग, यानी पक्का उसकी कहीं ना कोई एंट्री पास हुई होगी जो अब तक पे नहीं है, हाँ, तो सर वो यही कह रहा है कि आपका अकाउंट जो बना है वो आपकी रेफरेंस टू एंट्रीज होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपके बैलेंस शीट में कुछ दिख रहा है और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ दिख रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है कि भैया आपने बैंक से 50,000 रुपये निकाले हैं और साल की शुरुआत में भी 1,00,000 रुपये थे, साल के एंड में भी 1,00,000 रुपये थे, अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है, 50,000 रुपये निकालें तो यहाँ 1,00,000 में 50,000 कम होने चाहिए ना। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पॉइंट कि भैया अकाउंट जो भी बना है रेफरेंस टू एंट्रीज, यानी कि भैया आपकी एंट्री के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भैया आप यमला पगला दीवाना गा रहे हैं और वो मैं टल्ली गा रहे हैं, इन द सेंस कुछ भी वाहियात मजाक था मुझे पता है, आपको बस ये याद रखना है कि भैया हमारी जो भी अकाउंटिंग हुई है वो हमारी एंट्रीज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद है सर द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय द सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस। सर इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एंट्री की गई, पहला ही बात अकाउंट, अकाउंट किस पे बेस होता है, एंट्री पे बेस। अब जो एंट्री की बात यहाँ पे की गई है वो कह रहा है कि ये जो एंट्री है आपकी वो ऐसी होनी चाहिए जो कि डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करते हुए होनी चाहिए। आपके पास आपने लिखा है कि मैंने 5,00,000 का मशीनरी खरीदा, तो आपके पास मशीनरी खरीदने का एविडेंस होना चाहिए, ठीक है सर। मैं इस बात को लिखता हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए आपने मशीनरी खरीदी, क्या किया आपने मशीनरी परचेस की, तो सर मशीनरी परचेस की तो किसी से तो परचेस की होगी, मिस्टर एक्स लिमिटेड से परचेस की होगी सर, उसका आपको डॉक्यूमेंट दिखाना है। तो सफिशियंट मतलब होता है सर क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएट मतलब होता है सर क्वालिटी, तो मतलब आपको दोनों ही टाइप के एविडेंस, फिलहाल इस पर हम और वर्क करेंगे सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस पे, फिलहाल इसे मार्क कर लीजिए कि हमारे पास जो भी एविडेंस है वो सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए और एडिक्वेटली सपोर्टेड, मतलब मैं अगर आपसे मशीनरी परचेज का डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ तो सर आप मुझे परचेज ऑफ गुड्स का डॉक्यूमेंट मत दिखा देना, मैं ऑडिटर हूँ ना सर, मैं वो कह रहा हूँ कि भैया मैं आपसे कह रहा हूँ मशीनरी परचेज, सर मशीनरी परचेज और गुड्स परचेज में अंतर होता है, मैं मशीनरी की बात कर रहा हूँ तो मुझे मशीनरी का डॉक्यूमेंट चाहिए ना ही कि परचेज का, यानी जिस चीज़ की आप ऑडिटिंग करवा रहे हैं, जिस चीज़ का आप ऑडिट कर रहे हो डॉक्यूमेंट उसको सपोर्ट करने चाहिए।
सर थर्ड पॉइंट है, नन ऑफ द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज़ बीन ओमिटेड। सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई एंट्री डालना भूल गए, क्योंकि एक एंट्री भी आपकी मटेरियल हो सकती है, लॉ के डिसीजंस को इफेक्ट कर सकती है। द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन, मतलब कंपाइलेशन क्या होता है, जनरल एंट्री से लेजर बनते हैं, लेजर से आपका ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस में फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बेसिस पे पीएल बनता है और उसके बेसिस पे आपके बैलेंस शीट बनते हैं। सर दैट इज़ नॉन एज कंपाइलेशन, ठीक है। एंड नथिंग विच इज़ नॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज़ फाउंड प्लेस इन द स्टेटमेंट। मतलब ऐसा कुछ भी ना हो कि मतलब आपके अकाउंट में डाला गया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आया, या अकाउंट में नहीं है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर अकाउंट में तो है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सर फोर्थ पॉइंट इज द इन्फॉर्मेशन, जो भी जानकारी है कन्वेड बाय द स्टेटमेंट क्लियर एंड अनएम्बिजियस। मतलब जो भी आपके पास जानकारी है आपको मिल रही है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। मतलब आपने अगर परचेज का डॉक्यूमेंट मांगा है तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं वो आपको परचेज का डॉक्यूमेंट ही दिखाएंगे। अनएम्बिजियस मतलब कि उसके अंदर कोई भी गुमराह करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी डॉक्यूमेंट एक ऑल्टर मांग रहा है कंपनी, आपको एकदम क्लियर, सटीक, 100% ओरिजिनल एविडेंस ही देगी, ठीक है सर। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपरली क्लासीफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज। मतलब जो भी अमाउंट है सर, वर्ड है पहला क्लासीफाइड, क्या है सर, क्लासीफाइड। सर क्लासीफाइड का मतलब क्या होता है, क्लासीफाइड का दोस्त मेरे मतलब होता है कि भैया आप उसे बताओगे कि ये करेंट लाइबिलिटी है, फिक्स असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स है, उसे हम कहते हैं क्लासीफाई करना। डिस्क्राइब्ड मतलब कहाँ से खरीदा, कैसे खरीदा। सर डिस्क्राइब मतलब होता है नरेशन डालना, जैसे आप एंट्री में डालते हो ना नरेशन, किससे खरीदा। सर डिस्क्लोज मतलब होता है सही जगह दिखाना, पीएल में दिखा रहे हो, बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, आउटस्टैंडिंग में दिखा रहे हो, प्रीपेड में दिखा रहे हो, दैट इज डिस्क्लोज्ड इन कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और वो ऐसे ही होने चाहिए जैसा कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको करने के लिए कह रहा है। उसके बाद सर लास्ट पॉइंट है सर यहाँ पे हमारा, द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रेजेंटेड अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, क्या है सर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यानी जो भी आपके अकाउंट के स्टेटमेंट्स आप शो कर रहे हो वहाँ पे, वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाने वाली होनी चाहिए, उसमें मिसलीडिंग वाला कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड ऑफ द असेट्स एंड लाइबिलिटीज। सर इसमें सभी चीज़ें आपकी होंगी, ऑपरेशनल रिजल्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट एंड लाइबिलिटी यानी बैलेंस शीट, ठीक है सर। ऑपरेशनल से आप क्या लिंक बना सकते हो सर, ऑपरेशनल रिजल्ट का मतलब क्या होता है सर, आप इसका लिंक ले सकते हो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, असेट एंड लाइबिलिटी के लिए आप लिंक ले सकते हो बैलेंस शीट से। तो सर ओवरऑल मैंने 30 मिनट ले लिए सर आपके इस छोटे से टॉपिक को डिफाइन करने में। अब आप किसी भी टीचर के पास जा रहे हो, मैं नहीं कह रहा मेरे पास आओ, वैसे मेरे पास टॉप 50 ही होते हैं, और अगर आपको टॉप 50 में कभी इंटरेस्ट आए तो सर आप cahub.007@gmail.com, ठीक है सर, पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 50 टेस्ट की सर्विसेज मिलती है सर, प्लस ये जितने भी डिटेल वीडियो मैंने आपको दिखाया इसी तरीके से पूरा स्टडी मेट आपको कवर मिलेगा सर, प्लस वन डे बिफोर रिवीजन भी सर मिलेगा, और मेरी एक्सपर्ट 24/7 आर की सर्विस भी मिलेगी कोई भी डाउट वगैरह पूछने के लिए। और सर सबसे बड़ी बात, मैं लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम तक भी रिवीजन करवाता हूँ। सर क्या ये लास्ट वीडियो है, क्या आप यूट्यूब पे और वीडियो नहीं डालेंगे न्यू सिलेबस के लिए या ओल्ड सिलेबस के लिए। सर ऐसा कुछ नहीं है, आईपीसीसी हो सर, आईपीसीसी वालों आपके तो भैया 100+ वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है। और न्यू आईपीसीसी वालों आपके लिए मैं वीडियोज़ डालता रहूँगा, हर चैप्टर खत्म होने पे उसका रिवीजन वीडियो डालूंगा सर कि भैया इस चैप्टर में फाइनली हमने पढ़ा क्या। पूरे एनालिसिस तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि सर आप देख ही रहे हो सर, मुझे एक पैरा को डिफाइन करने में 30 मिनट लग जा रहे हैं सर, तो पूरी चीज़ तो नहीं डिफाइन कर पाऊंगा, लेकिन हाँ आपका 1 आवर का हर चैप्टर का रिविज़न आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, जिसमें आपने मुझसे क्लास ली हो कहीं से भी ली हो आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी प्रॉपर मिलेगी। तो सर दोबारा से एक बार ईमेल मैं आपको बता दूँ, cahub.007@gmail.com। अपनी आप क्वेरी भेज सकते हैं सर मेरे पास, अगर आपको टॉप 50 ज्वाइन करना हो तो वो भेज सकते हैं, आपको कोई टॉपिक में शिकायत हो, समझ में ना आया हो तो वो भेज सकते हैं, ठीक है सर। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर ये वीडियो पसंद आया सर तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो का पढ़ाने का तरीका कैसे लगा। मुझ में पढ़ाने में कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी सर फीडबैक दीजिएगा, कुछ कमी नज़र आई हो तो वो भी बताइएगा, क्योंकि अपने ही अपनों को आगे बढ़ाते हैं और अपनों के सपोर्ट के बिना कोई आगे नहीं बढ़ता, ठीक है सर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।